अगर आपका किसी भी बैंक में खाता है, चाहे वो स्टेट बैंक हो, यूको बैंक हो, ग्रामीण बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, किसी भी बैंक में अगर आपका खाता है और खाता ओपन करवाते समय आपने आधार कार्ड दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके खाते में आधार कार्ड लिंक है, मतलब आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक हो, ये जरूरी नहीं है। आपको ये जानकारी रखना चाहिए कि आपका बैंक खाता में आधार कार्ड लिंक है कि नहीं। तो कैसे चेक कर पाएंगे, अपने घर बैठे अपने मोबाइल फोन से, अपने स्मार्टफोन से, आज के इस वीडियो में यही बताने वाला हूं आपको कि अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर कहीं से भी चेक कर पाएंगे अपने फोन के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से कि आपके बैंक में आधार कार्ड लिंक है कि नहीं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल IT स्मार्ट को, इस बेल आइकॉन को भी दबा दें और वीडियो को लाइक भी करें और शेयर बटन पे क्लिक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करें। धन्यवाद। तो फाइनली हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और आपको करना है यहाँ से एक ब्राउजर को ओपन, जो भी जिस ब्राउजर में भी आप इंटरनेट चलाते हैं, आप मोबाइल से भी काम कर सकते हैं, जो काम मैं कंप्यूटर से कर रहा हूँ आपसे मोबाइल से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगा कि कैसे मोबाइल से करना, मोबाइल से करके भी मैं दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ये सर्च बार जो दिख रहा गूगल का, यहाँ पे आपको सर्च करना है www.uidai.gov.in, इस वेबसाइट को सर्च करना। हालांकि इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी आप इसे एक्सेस कर पाएंगे। इसके बाद आपको ये जैसे सर्च करेंगे सबसे ऊपर में ये आ जाएगा, आपको UIDAI इस पे क्लिक कर देना। ये आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल साइट है, यहाँ से आधार कार्ड का सारा काम कर सकते हैं। इससे पहले मैंने बताया था आधार कार्ड में पूरा 12 नंबर आधार के साथ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप आई बटन में जाके देख सकते हैं, उसका वीडियो मैंने पहले से बना कर। अब आपको जाना यहाँ से माई आधार पे क्लिक करने के बाद आपको जाना आधार सर्विस में। आधार सर्विस में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको करना होगा सिंपली यहाँ पे, ये देखिए खुल चुका है एक नया पेज, यहाँ पे आपको टाइप करना है आधार नंबर, आप उस आधार जिसका जिस भी आधार को लिंक करवाए अपने बैंक से वो आधार को यहाँ पे टाइप करें, या फिर आपके पास आधार नहीं है तो आधार नंबर नहीं है तो वर्चुअल आईडी से भी कर सकते हैं, लेकिन आप आधार नंबर से, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक आधार नंबर टाइप कर लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार वो शो करता है। तो मैंने फाइनली 12 डिजिट का एक आधार नंबर टाइप कर लिया है और आप यहाँ पे सेक्रेटरी कोड में ये जो कोड यहाँ पे दिख रहा है ये कोड यहाँ पे आपको टाइप करना होता है, तो मैं भी टाइप कर लेता हूँ। अगर आप ये समझ में नहीं तो ये जो रिफ्रेश बटन है इसे आप क्लिक करके इसे चेंज भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। इसके बाद सिंपली आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना। जैसे ही सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, वन टाइम सेट योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपके जो आधार कार्ड में जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी जाएगा, वन टाइम पासवर्ड जाएगा, वो पासवर्ड यहाँ पे आपको इनपुट करना है। ध्यान रहे अगर आपका आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप ये चेक नहीं कर पाएंगे यहाँ से। तो मेरे पास ओटीपी आ चुका है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ ओटीपी टाइप करके कि कैसे आपको वो करना है। अब मैंने यहाँ पे ओटीपी टाइप कर दिया, आप सिंपली मुझे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना। जैसे मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए आधार नंबर यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपका आधार नंबर है और बैंक लिंक एक्टिव है। यहाँ पे किस बैंक से है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से है, आप यहाँ से देख सकते हैं आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप लास्ट टाइम, अगर आपके पास दो तीन खाता है, दो तीन बैंक अकाउंट है, तो आपने लास्ट टाइम में जिस बैंक में अकाउंट ओपन किया है, जिस बैंक में आधार लिंक करवाया है, उसी बैंक का आपको दिखेगा। मान लिया आपके पास यूको और स्टेट बैंक का है, आपने पहले यूको में करवा दिया फिर बाद में स्टेट में करवाई, तो बाद वाला ही आपको यहाँ पे दिखेगा। या फिर आपके पास स्टेट बैंक यूको बैंक है, पहले आपने स्टेट करवाया बाद में यूको में करवाया, तो यूको दिखेगा, ये दिखेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मोबाइल से कैसे देखते हैं। गो टू माई आधार पे जाके आप चेक भी कर सकते हैं आपका आधार की स्टेटस दूसरा का भी। अब आपको मैं मोबाइल स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और वहां पे दिखाता हूँ कि कैसे आपको चेक करना है मोबाइल स्क्रीन से। तो अभी मैं फिलहाल आपको लेके चल रहा हूँ मोबाइल स्क्रीन पे। तो अब मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे ले आऊँ, यहाँ से भी आपको गूगल क्रोम ब्राउजर को सर्च कर लेना है। तो मैं यहाँ ओपन कर लिया हूँ गूगल क्रोम ब्राउजर को, यहाँ पे भी आपको सेम वेबसाइट टाइप करना है www.u। ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर्च बार में, आपको दिखा देता हूँ वेबसाइट ऊपर में, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वेबसाइट मैंने सर्च किया है और यहाँ पे देखिए आपको
सारे वो ऑप्शन मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पे थ्री लाइन आपको दिख रहा होगा, ये थ्री लाइन आपको दिख रहा है, मैं आपको यहाँ पे देखिए थ्री लाइन दिख रहा है, इस थ्री लाइन पे आपको करना है क्लिक। इस थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद आपको फिर ये माई आधार जो दिख रहा है यहाँ पे ड्रॉप डाउन, इस माई आधार पे आपको करना होगा क्लिक। माई आधार पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है फिर आधार सर्विस में, कहाँ जाना आपको आधार सर्विस में, फिर आपको आधार सर्विस, ये देखिए आधार सर्विस में जाना आपको, ये जो आप देख रहे हैं आधार सर्विस, इसी आधार सर्विस में आपको जाके क्लिक करना पड़ेगा, इसके बाद ही आप ये कर पाएंगे। यहां से जाना था आपको आधार सर्विस, तो मैं आधार सर्विस पे क्लिक कर देता हूँ। आधार सर्विस पे क्लिक करने के बाद ये देखिए ये ओपन हो चुका है, और नीचे आके हम नीचे आएंगे ड्रॉग, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा आधार लिंकिंग स्टेटस, तो आपको इस पे क्लिक कर देना। इस वेबसाइट पे जैसे ही क्लिक करेंगे सेम आपको वहीं पे पहुंच जाएंगे जहां भी मैंने आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे बताया है। यहाँ पे फिर से आपको अपना आधार नंबर टाइप करना है, आधार नंबर टाइप करने के बाद फिर यहाँ पे ये जो कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा यहाँ पे टाइप करें, सेंड ओटीपी पे क्लिक करें, और फिर आपके पास जैसे ही ओटीपी आएगा ओटीपी को इंटर कर दें, तो आपका किस बैंक में आधार लिंक है ये चेक कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर ये जानकारी अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके भी देखें। धन्यवाद।